Good evening, students, and in this class, I'm going to talk about the summary of Great Books Born Out of Great Minds. So, Great Books Born Out of Great Minds was written by APJ Abdul Kalam, and in this chapter, he says, फ्रेंड्स रीडिंग हैबिट्स फ्राम यंग एज एंड कंटिन्यूस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू बुक्स इन डीड मेक ह्यूमन बींग्स एप्रिशिएट मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटल लाइफ एंड बिकम ऑटोनॉमस लर्नर्स फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द कल्चर ऑफ एक्सिलेंस तो ग्रेट बुक्स बॉर्न आउट ऑफ ग्रेट माइंड में अब्दुल कलाम जी ने बोला है कि सबसे पहले वो बात करते हैं रीडिंग हैबिट्स की जो यंग एज मतलब यंग पीपल मतलब छोटे बच्चों को जो होती है तो कह रहे हैं कि जो रीडिंग हैबिट है वो कंटिन्यूसली एक्वायर की जाती है वो नॉलेज ली जाती है बुक्स से एंड ये जो रीडिंग हैबिट है ये ह्यूमन बींग्स को अलाउ करती है कि वो अप्रिशिएट करे वो तारीफ करे सोसाइटल लाइफ की मतलब सोसाइटी की जो आसपास उसके है और वो ऑटोनॉमस लर्नर्स बने मतलब वो खुद जो है लर्न करना सीखे जैसे सपोज एक छोटे बच्चे को आदत अगर डाली जाए बुक र, 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 रीडिंग की तो वो जब बुक्स को रीड करता है तो वो धीरे धीरे खुद नॉलेज अक्वायर करना शुरू कर देता है और फिर एक ऑटोनॉमस लर्नर कहलाता है मतलब खुद उसे शौक हो जाता है पढ़ने का तो फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द कल्चर ऑफ एक्सीलेंस तो कह रही हैं पहले हम कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की बात करेंगे तो कल्चर ऑफ एक्सीलेंस में क्या लिखा है कल्चर ऑफ एक्सीलेंस में है फ्रेंड्स एक्सीलेंस इज नॉट बाय एक्सीडेंट मतलब एक्सीलेंस जो है वो एक्सीडेंटली नहीं होती मतलब आप एक ही दम से किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो जाते बल्कि वो एक प्रोसेस है इट इज़ अ प्रोसेस वेर इंडिविजुअल्स और इन ऑर्गेनाइजेशन और नेशन कंटिन्यूअसली स्ट्राइव टू बेटर दैमसेल्स मतलब एक्सीलेंस एक प्रोसेस है जहाँ पे आप कंटिन्यूसली जो है काम करते हो ताकि आप बेटर जो है परफॉर्म कर सको दे सेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेल्स दे वर्क ऑन देअर ड्रीम्स विद फोकस एंड आर टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड डू नॉट गेट डेटर्ड बाई फेलियर्स एज दे मूव टूवर्ड्स द ड्रीम तो कह रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए एक पर्सन को कि मैं किस तरह से अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करूँगा अपना काम करूंगा एंड जो फेलियर्स एक पर्सन को फेल कर देते मतलब जो एक पर्सन को जो है वीक कर देते हैं फेलियर्स तो फेलियर्स से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बल्कि आपको अपनी ड्रीम्स की तरफ बढ़ना चाहिए देन दे सेटअप देन दे स्टेप अप देर ड्रीम्स एज दे टेंड टू रीच दी ओरिजिनल टारगेट्स तो कह रहे हैं इसी तरह से जो ड्रीम्स को सेट करने के बाद आप अपने ओरिजिनल टारगेट पे पहुंचते हो दे स्ट्राइव टू वर्क टू देर पोटेंशियल एंड इन द प्रोसेस दे इंक्रीज देअर परफॉर्मेंस देयर बाय मल्टीप्लाइंग फर्दर देर पोटेंशियल तो कह रहे हैं कि जब आप काम करना शुरू करते हो जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हो एक्सेलेंस की तरफ तो जब आप काम करना शुरू करते हो अपने पोटेंशियल से आगे बढ़कर तो इस प्रोसेस में आप क्या करते हो अपने परफॉर्मेंस को इनक्रीज करते जाते हो धीरे धीरे अपने पोटेंशियल को एनहेंस करके दिस इज़ एन अन एंडिंग लाइफ साइकिल फिनोमिना तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अनएंडिंग फिनोमिना है जहाँ पे आप एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते जाते हो धीरे धीरे करके दे आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनी विध एनी वन एल्स मतलब एक पर्सन जो है वो किसी और के साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा बट कि बल्कि जब आप एक्सीलेंस अचीव करने के लिए काम करते हो तो आप क्या सोचते हो कि आज ठीक है मैंने इतना बेटर परफॉर्म किया है कल मैं इतना करूँगा और परसों में इतना करूँगा तो इस तरह से जो प्रोसेस है ये चलता है तो दिस इज़ द कल्चर ऑफ एक्सीलेंस तो ये जो अब्दुल कलाम जी बात कर रहे हैं कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यू प्रोसीड टूअर्ड्स योर गोल एंड यू वर्क हार्ड टू अचीव योर ड्रीम्स अब आगे देखो द ऑथर इन साइड फ्रेंड्स आई हैव सो फार मेट सिक्सटीन मिलियन यंग मैन तो अब्दुल कलाम जी ने बोला है कि मैं अब तक अपनी लाइफ में सिक्सटीन मिलियन यंग मैन से मिला हूँ इंट्रैक्टिंग विद द यंग इज लाइक लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ़ स्टोरीज तो कह रहे हैं कि जो मैं यंग मैन और वुमेन के साथ जो मैंने इंट्रैक्शन किया ऐसे लगता है मैं एक दुनिया में रह रहा हूँ जहाँ मैं कहानियाँ सुन रहा हूँ किससे सुन रहा हूँ फॉर चिल्ड्रन एवरी थिंग इज़ अ स्टोरी तो बच्चों के लिए सब कुछ कहानी है दे वॉन्ट टू बिकम अब जो बच्चे हैं वो क्या बनना चाहते हैं बच्चे जो है एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं पायलट बन सकते हैं सोल्जर डॉक्टर सेलर एंड सो ऑन मतलब बच्चे इतने सारे ऑप्शन हैं आप किसी भी ऑप्शन को जो है चूज कर सकते हो एंड यू कैन वर्क टूवर्ड्स योर ड्रीम आगे कह रहे हैं they, they landscape ऑफ मेक बिलीव मतलब जो बच्चे हैं वो ऐसे जो है फेरी वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर सब कुछ जैसे आप कुछ भी बना लो और आप कुछ भी डिस्ट्रॉय कर लो दिस पिन फैंटेसीज मतलब हमेशा अपनी सोच में अपनी इमेजिनेशन में रहते हैं आफ्टर ग्रोइंग अप दे एब्जॉर्ब नावल्स फिल्म एंड प्लेज मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद वो एब्जॉर्ब करना मीन्स उसको अच्छी तरह से गहराई में पढ़ना नावल्स को फिल्म को एंड प्लेज को इवन स्पोर्टिंगल ट्रायल्स अनफोल्ड एज तो कह रहे हैं इवन जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं या जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं मतलब जो आप क्रिमिनल एक्टिविटीज जो बच्चे देखते हैं वो भी नरेटिव मतलब फोल्ड करते हैं मतलब वहाँ से भी बच्चा जो है नरेटिव ड्राइव करता है वहाँ से भी वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है इट्सडनली स्ट्राइक स्ट्राइक्स टू मी नाउ आफ्टर लिविंग फॉर एटी टू ईयर्स दट आई एम ऑल्सो लिविंग अ स्टोरी तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे 82 टू ईयर्स हो और मुझे ऐसे लगता है कि मैं भी एक स्टोरी ही जो है जी रहा हूँ आई एम नॉट एवरीडे कन्वेइंग इवेंट्स एंड थाट्स इन वर्ड्स आर वी नॉट मेकिंग एंड ब्यूटिफाइंग द रियलिटी अराउंड अस तो कह रहे हैं कि हर रोज़ मुझे लग रहा है कि मैं इवेंट्स कन्वे कर रहा हूँ थाट्स में अपने वर्ड्स में एंड ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ब्यूटिफाई कर रहा हूँ मतलब जो मेरे आस पास की जो जो रियालिटी है उसे मैं हर रोज़ बना रहा हूँ can we say that humans are weird for stories is there an author alive in our minds creating narratives about the past and the future to keh rahe kya hum ye keh sakte hain ki jo human beings hain jo men hain women hain wo bahut weird hain stories ke liye matlab wo bahut ajeeb hain Is there an author alive in our minds? तो कह रही है क्या कोई ऑथर है जो हमारे दिमाग में है जो नरेटिव बना रहा है कि हाँ हमारे पास्ट में ये हुआ था या फ्यूचर में ये हुआ था परहैप्स स्टोरीज हेल्प्स अस टू नेविगेट लाइफ्स प्रॉब्लम्स लाइफ्स कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो स्टोरीज़ हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टोरीज़ हैं वो, है है वो हमारी लाइफ की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रही हैं जस्ट एज़ फाइट सिमुलेटर्स प्रिपेयर पायलट्स फॉर डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो कह रहे हैं जिस तरह से एक फाइट सिमलेटर एक पायलट को प्रिपेयर करता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए उसी तरह से स्टोरी टेलिंग भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टोरी टेलिंग क्या करती है लाइक अदर बिहेवियर्स इंश्योर करती है हमारे सर्वाइवल को मतलब हम जो स्टोरीज के थ्रू ही जो है अपनी जिंदगी जो है वो चला रहे हैं मतलब स्टोरी टेलिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको आपकी जो कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करती है अब उसके बाद वो कहती है इमेजिनेशन इज एन ऑसम इवोल्यूशनरीशन दैट अलाउज पीपल टू टेलीपोर्ट में टेलीपोर्ट मेंटली इंटू ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड सॉरी तो इस लाइन में वो कह रहे हैं कि इमेजिनेशन जो है एक ऑसम awesome अडेप्टेसन है कि आप कुछ भी इमेजिन करके आप कुछ भी अपने दिमाग में जो है सोच विचार करके आप मेंटली टेलीपोर्ट कर सकते हो मीन्स आपने क्या किया सपोज आपको कोई एक्टिविटी करनी है आप अपने दिमाग में वैसे वैसे सोच लोगे तो आप मेंटली टेलीपोर्ट कर सकते हो उसको और अपनी दुनिया में उसको उतार सकते हो इमेजिनेशन गिव अस इन अदर वर्ड्स द नियर मैजिकल एबिलिटी टू एक्सपीरियंस तो कह रहे हैं इमेजिनेशन हमें वो एबिलिटी देती है जो चीज आप रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते उसको आप इमेजिन करके एक्सपीरियंस कर सकते हो अ स्टोरी इज अ थिंग दैट दस रादर दैन अ थिंग दैट इज इट्स अ टूल विद मेजरेबल यूटिलिटी रादर दैन एन ऑब्जेक्ट फॉर एस्थेटिक एडमिरेशन तो कह रहे स्टोरी एक थिंग है रादर दैन अ थिंग दैट इज़ मतलब एक टूल है जिसको आप यूटिलाइज़ करके जो है किसी भी तरह से एडमिरेशन अचीव कर सकते हो अटेंशन इज द रिवॉर्ड दैट लिसनर्स बेस्ट आओ ऑन द स्टोरी टेलर अब आप देखो आप किसी को भी आप अपनी स्टोरी सुनाओ तो अगर आपकी बात कोई बहुत ध्यान से सुने तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी आधी समस्या यही हल होगी किसी ने मेरे बात सुन ली मेरे मन हल्का हो गया तो वो जो एक स्टोरी टेलिंग है या जिसको आप अपनी बात सुना रहे हो अगर वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है वो जो लिसनर है मतलब आपकी बात को वो ध्यान से सुन ले अटेंशन पे करे आपकी बात को ध्यान से सुन के तो वही एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है एक स्टोरी टेलर के पास जैसे सपोज मैं किसी को कोई बात बताऊँ और वो मेरी बात पर ध्यान ही ना दे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा राइट तो अगर आप किसी को बात बताओ और वो आपकी बात पे ध्यान दे रहा है अटेंशन दे रहा है यू विल फील गुड राइट तो वो यही कह रहे हैं कि अटेंशन जो है एक रिवॉर्ड है जो एक लिसनर जो है वो स्टोरी टेलर को आ, मतलब एक रिवॉर्ड है जो लिसनर को मिलता है सॉरी वो एक रिवॉर्ड है जो स्टोरी टेलर को मिलता है एंड दिस मेक स्टोरी टेलिंग अ सेंट्रल कॉम्पोनेंट ऑफ लीडरशिप तो इससे जो स्टोरी टेलिंग है वो इतनी इम्पॉटेंट हो जाती है तो कह रहे हैं वैन वी रॉट इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी नाइनटीन नाइनटी एट इट वॉज अ स्टोरी रजिस्टेड द इंडियन इकोनॉमी तो कह रहे जब हमने इंडिया के बारे में लिखा था ट्वेंटी ट्वेंटी में ट्वेंटी ट्वेंटी की इकॉनमी के बारे में नाइन्टीन नाइन्टी एट में तो उससे जो है हमने इंडियन इकॉमी के जो इमोशंस थे जो स्टोरी थी उसको इवॉल्व किया था कि ट्वेंटी ट्वेंटी में कैसी इंडिया की या क्या उसकी अर्थव्यवस्था होगी अब आगे देखो ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग हैज़ अ डार्कर साइड टू अभी आपने क्या देखा इस पैराग्राफ में सारी की सारी जितनी बातें आपने देखी आपने स्टोरी टेलिंग की पॉजिटिव पॉइंट्स देखे राइट right? तो अब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी आता है ठीक है तो इस पैराग्राफ में वो हमें यह बता रहा है कि स्टोरी टेलिंग के डार्कर साइड भी है स्टोरी टेलिंग के कुछ कुछ क्रिटिसिजम भी है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है तो कह रहे हैं स्टोरी टेलिंग के एक डार्कर साइड भी है इट मेक अस वॉलरेबल टू कंस्पिर थ्योरीज एडवर्टिजमेंट्स एंड नरेटिव अबाउट आर सेल्स दट आर मोर ट्रूली दैन ट्रू

तीज जो है वो आइज में है बी होल्डर की एंड राइट रॉन्ग सिन गुड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लव हेट ऑल ऑफ दीज डिपेंड ऑन हु इज लुकिंग तो कह रहे हैं ये सारी चीजें अच्छी बुरी जो ड्यूटी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लव है हेट है ये सब चीज़ें आंखों में होती है उस पर्सन की जो उस आ, चीज को ऑब्जर्व कर रहा है न्यू फॉर्म्स ऑफ स्टोरीज जनरेट यर ओन सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर येट मोर सोल्यूशंस तो कह रहे हैं जो न्यू फॉर्म है स्टोरीज की वो जनरेट करती हैं और न्यू सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स तो एंड येट उनको और सोल्यूशंस चाहिए तो कह रहे हैं ऑल्टरनेट रियालिटी गेम्स ए आर जी एंड इंटरक्टिव नेटवर्कड नरेटिव दैट यूज़ द रियल वर्ल्ड एज अ प्लेटफॉर्म एंड यूज इस ट्रांस मीडिया स्टोरी टेलिंग टू डिलीवर अ स्टोरी दैट मे बी ऑल्टर बाई पार्टिसिपेंट्स आइडियाज़ और एक्शंस तो कह रहे हैं ऑल्टरनेट रियालिटी गेम्स जो होती है वो एक नेटवर्कड नरेटिव है जैसे आप गेमिंग करते हो गेम्स खेलते हो तो वो एक नरेटिव है जिससे आप जो रियल वर्ल्ड है उस मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जैसे सपोज आपने एक गेम्स देखी और उसमें आप देख रहे हो कि उस पर्सन को जो है मुझे सेव करना है कि वो किसी गड्ढे में ना गिरे तो यू आर लर्निंग समथिंग एक प्रैक्टिकल चीज़ आप वहाँ से सीख रहे हो आपके पास आइडियाज आ रहे हैं कि हाँ अगर रियल रियलिटी में ऐसा कुछ होगा तो हम क्या करेंगे

इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी री विज़िट तो कह रहे हैं हमें बार बार स्टोरी टेलिंग को रिविज़िट करना चाहिए इंश्योर करने के लिए कि स्टोरीज ऑथेंटिक रहें स्टोरीज ट्रू रहें मतलब अगर आप किसी को स्टोरी सुना रहे हो तो उसका जो मज़ा है वो किरकिरा ना हो जैसे सपोज किसी ने किसी को सिंड्रेला की स्टोरी सुनाई तो ऑब्वियसली वो ऑथेंटिक होगी वो ट्रू होगी वो बताएगा किस तरह से जो सिंड्रेला थी उसके साथ हुआ था या किस तरह से उसको अपना प्रिंस चामिंग मिला था तो कह रहे हैं जो भी स्टोरी टेलिंग है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए ट्रू होनी चाहिए लेट the स्टोरीज़ लीप फ्रॉक द टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंग अर्स टू द कोर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस अबाउट कोलाबोरेशन एंड कनेक्शन तो कह रहे हैं जो स्टोरीज़ है उसको आप टेक्नोलॉजी से परे देखो और उनमें जो एक कोर है ह्यूमन एक्सपीरियंस का मतलब स्टोरीज जो होती है ऑब्वियसली वो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है जो एक पर्सन एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में तो कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का कोलाबोरेशन और एक करेक्शन है जो स्टोरी टेलिंग में होता है आगे पैराग्राफ देखो इन दिस कनेक्शन लेट मी शेयर माई ऑब्जर्वेशन तो अब्दुल कलाम जी अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं और तो कह रहे हैं आई वॉज रीडिंग अ बुक ऑन द ग्रेट ऑथर तो कह मैं एक बुक पढ़ रहा था जो गौथ ने लिखी थी जिनके दिमाग से जो है उन्होंने कौन सी बुक लिखी है फर्स्ट द ग्रेट जर्मन एपिक तो उन्होंने एक जर्मन एपिक लिखा है जिसका नाम है फर्स्ट एंड शेक्सपियर ने बहुत सारे जो है प्लेज लिखे हैं और शेक्सपियर ने अपने प्लेज में पास प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को प्रोडिक्ट किया है वेर एज ग्रेट इंडियन एपिक मास्टर जो वाल्मीकि है उन्होंने रामायण की स्टोरी लिखी है जिसमें पास प्रेजेंट और फ्यूचर बताया गया है तो कह रहे हैं वॉज आई स्किन माई सेल्फ वॉट वुड हैचुएटेड देयर माइंड टू इवॉल्व सच ग्रेट एपिक्स तो कह रहे हैं मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि क्या आया इन पर्सन के दिमाग में शेक्सपियर गौथ और वाल्मीकि के दिमाग में कि उन्होंने इतनी बेहतरीन जो है स्टोरीज़ लिख डाली इन द बायोग्राफीज ऑफ गॉथ एंड शेक्सपियर दे क्लेम्ड तो कह रहे हैं कि जो बायोग्राफी है मतलब जो खुद बुक लिखी है गॉथ ने अपनी लाइफ के बारे में और शेक्सपियर ने अपनी लाइफ के बारे में तो उन बुक्स में उन्होंने बताया है कि किस तरह से मतलब उनको लाइफ लेसन्स जो है जो लाइफ का फोर्स है मतलब जो जीवन जो जीने का एक मोटिवेशन है वो उन्हें कहाँ से मिला है अपनी ही अंतरात्मा से अपनी ही कॉन्शियस से अपने ही माइंड से मिला है दे क्लेम दैट एवरी ह्यूमन

कुछ फ्यू ग्रेट सोल्स होती है मतलब कुछ ही ऐसे लोग हैं कुछ ही अंतरात्माएं उनकी जो होती है वो फुली कंसनट्रेट कर पाती है इस चीज पे इस लाइफ फोर्स पे वाल्मीकि सेज दैट अ डिवाइन फोर्स हैज हेल्प हिम इवॉल्व द रामायण तो कह रहे हैं वाल्मीकि ने क्या कहा है कि जो डिवाइन फोर्स है उन्होंने ही हेल्प किया है रामायण को ही करने में एंड द मैसेज फ्रेंड्स पर्टिकुलरली द यंग ऑथर्स इज दिस तो कह रहे हैं मैसेज पर्टिकुलरली क्या है कि यू हैव द माइटी फोर्स विद इन यू तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने जो मैसेज दिया है इस चैप्टर में वो बहुत अच्छा है वो कह रहे हैं कि जो आपका लाइफ फोर्स है जो यंग ऑथर्स को जो है पैशनेटली ड्राइव uh, करता है टूवर्ड्स वर्किंग हार्ड और टूवर्ड्स वर्किंग टूवर्ड्स वर्किंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ़ द गोल्स तो कह रहे हैं वो क्या चीज़ है आपके अंदर जो आपको खुद प्रेरित कर रहा है आपका लाइफ फोर्स और उस लाइफ फोर्स को आप असेंबल करो कंसंट्रेट करो और उस इमेजिनेशन को यूज़ करो और बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स आप इवॉल्व कर सकते हो एंड यू कैन वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ़ द नेशन एज अ होल तो ये एक शॉर्ट वर्जन है अब्रिज का मतलब होता है शॉर्ट वर्जन ऑफ एन एड्रेस मतलब एक स्पीच जो अब्दुल कलाम जी ने दी थी तो उसका एक शॉर्ट वर्जन यहाँ पर हमें चैप्टर में देखने को मिलता है ठीक है तो ये आपका चैप्टर था ग्रेट बुक्स बॉर्न आउट ऑफ ग्रेट माइंड्स सो आई होप चैप्टर क्लियर हो गया होगा अगर किसी को डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास एंड डू कीप शेयरिंग दीज लेसन विद योर फ्रेंड्स एंड सी यू सून विद अनदर लेसन सून